नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि फ्रेज मैच टाइप क्या होता है, ये कीवर्ड मैच टाइप क्या है, कैसे वर्क करता है, इसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हो आप अपने सर्च पीपीसी एड्स में। दोस्तों, सही तरीके का अगर आप मैच टाइप यूज़ करोगे, सही तरीके से अगर आप उसको अप्लाई करोगे, तो आपकी परफॉर्मेंस भी एड्स की बढ़ेगी और आपकी जो कॉस्टिंग है, बजट ऑप्टिमाइजेशन होगा, कॉस्ट कम होगी और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। तो दोस्तों, ये हम आपको सिखा रहे हैं प्रैक्टिकली करना, ताकि आप सही से अप्लाई कर सको। दोस्तों, इसी तरीके से हम गूगल, फेसबुक और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की सीरीज लेकर आ चुके हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं करा है तो, ताकि आप लोग प्रैक्टिकल लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग सीख पाओ। तो दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। तो हम आपको आज बताएंगे फ्रेज मैच का क्या यूज है और इसका क्या फायदे है। तो फ्रेज मैच क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई कीवर्ड पुट करा डिजिटल एजेंसी, ठीक है दोस्तों। फ्रेज के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो पूरा कीवर्ड आता है, और इस तरीके से आप इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अगर जब हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो कीवर्ड को लिखते हैं, फ्रेज को लिखते हैं, तो वो कीवर्ड एग्जैक्ट वो फ्रेज मैच कहलाता है, फ्रेज मैच टाइप कहलाता है। अब फ्रेज मैच टाइप को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या है और उसको क्यों यूज करें और वो कब कब शो होता है। तो जब ये हमने एक शीट पे लिख लिया है दोस्तों पहले से ही कि फ्रेज मैच टाइप क्या होता है। अब जैसे कि हमने फ्रेज में डाला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो जब कोई विजिटर या ऑडियंस सर्च करता है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो ये शो होगा, ठीक है। और जब कोई, अब फ्रेज का मतलब क्या है कि ये जो तीन वर्ड्स हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं जो हमने फ्रेज के अंदर पुट करे हैं, ये तीन तो ऐसे ही डिस्प्ले होंगे। अब इसके आगे कोई कुछ लगा दे या इसके कोई पीछे कुछ लगा दे तो भी डिस्प्ले होगा। अब जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डाला तो शो होगा, अब कोई उससे पहले लगा रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, दिल्ली नंबर वन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो कुछ भी वो पहले लगा रहा है तब भी ये शो होगा। अब कोई लगाता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, वो तीन फ्रेज क्योंकि यहाँ पर आ रहे हैं कीवर्ड्स, उसके बाद किसने इन दिल्ली लगा दी, बॉम्बे लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, और बट वो अब मतलब जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर SEO, for SMO, इस तरह से कोई ढूंढ सकते हैं, लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर जो भी उनका मतलब वर्क है या जिसके लिए वो सर्च कर रहे हैं। तो अगर वो कुछ आगे पुट करते हैं उन तीन कीवर्ड्स के, या उसके पीछे हम पुट करते हैं, या वो ऐसे पुट करते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तो उन्होंने पीछे भी लगा दिया और आगे भी लगा दिया तो भी वो डिस्प्ले होगा, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है जो फ्रेज में हमने ये पूरे जो कीवर्ड में हमने जो यूज करे हैं वर्ड्स, तो ये तो अगर तीन बीच में आ रहे हैं तो उसके आगे चाहे कोई कुछ लगाए चाहे पीछे कुछ लगाए, अगर उसके बीच में ये है तो आना ही आना है, ठीक है। तो इट मे शो मैंने इसलिए लिखा है, डिपेंड्स कि जब आपकी कीवर्ड को सर्च करता है और उस समय बिडिंग चल रही है उस पर्टिकुलर कीवर्ड की 50 और आपके ने लगा रखी है 25, तो शायद वो ना शो हो, ठीक है। तो ऐसे अब आपके जो कीवर्ड्स है, ठीक है, वो सही से आपका ऐड नहीं बना तो हो सकता है वो भी एक इशू हो सकता है। तो इसलिए कुछ इश्यूज हैं या वो सही बिडिंग नहीं है तो वो हो सकता है शो ना हो, मगर आपकी बिडिंग भी सही है, आपका ऐड भी सही है और आपने फ्रेज मैच को सही तरीके से यूज़ करा है। क्योंकि हम इतने सारे कीवर्ड्स तो पुट नहीं कर सकते ना, कि कोई हम चाहते हैं कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढे, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढे, ठीक है, इकोनॉमिकल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढे, लिस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली ढूंढे, करोल बाग ढूंढे, CP ढूंढे, कुछ भी, अब हम इतने सारे कीवर्ड्स नहीं लिखेंगे, तो उसके लिए फ्रेज मैच यूज होता है, ठीक है। बट अगर कोई डालता है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी तो नहीं आएगा, कोई डालता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस तो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हमारा ये एक वर्ड मिसिंग है या चेंज्ड है। तो इस चीज को फ्रेज मैच कहते हैं। फ्रेज मैच बहुत यूजफुल है, बहुत अच्छा है आपके काम के लिए, बट इसमें आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, नेगेटिव कीवर्ड। नेगेटिव कीवर्ड का मतलब होता है दोस्तों, इसके ऊपर भी हम आपको एक पूरा ट्यूटोरियल आपको सिखाएंगे
क्योंकि उसके बिना आप अच्छे से कैंपेन नहीं चला सकते। बट एक मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी, फ्रेज मैच में स्पेशली वो यूज होता है कि अगर कोई डालता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जॉब्स, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कुछ भी, मतलब जॉब्स डाल रहा है या ओपनिंग्स डाल रहा है या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, क्वेश्चंस या कुछ भी डाल रहा है पीछे जो रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, तो हमें वो कीवर्ड, जैसे जॉब को हमने उठा के नेगेटिव कीवर्ड के अंदर डाल दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट होती है। तो अगर जॉब्स हो गए, क्या कहते हैं, या फिर स्टूडेंट्स हो गए या इंटर्न्स हो गए या कुछ भी जो आप समझते हो, शॉपिंग हो गई या कुछ भी कीवर्ड जो आपने डाला, अगर आप चाहते हो कि इन कीवर्ड्स के साथ अगर कोई डाले तो हमारे सर्च में ना आए, क्योंकि आपका पैसा वेस्ट हो सकता है, ड्रेन हो सकता है। तो आप उन कीवर्ड्स को बनाएंगे एक लिस्ट जो जो आपको समझ में आएगी और उसको जाके नेगेटिव कीवर्ड में पुट कर देंगे, जिससे कि फ्रेज मैच के अंदर आपके पैसे ड्रेन ना हो। तो और बाकी टाइम टू टाइम सर्च टर्म्स हमेशा देखते रहिए कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, लोग जो सर्च कर रहे हैं उसी से रिलेटेड सही कीवर्ड कोई अपने नहीं डाला तो फटाफट पुट कर दो। कोई अननेसेसरी टर्म कोई डाल रहा है तो उसको जाके नेगेटिव कीवर्ड में डाल दो। ये की है, इससे आपका एड ऑप्टिमाइज होता है। एड अपने आप ऑप्टिमाइज नहीं हो जाते हैं, एड्स जब चलते हैं उन पर काम करना पड़ता है, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अच्छे से, जिससे कि आप बेस्ट एड्स बना सकें, परफॉर्म करा सकें अपने एड्स को और अच्छे रिजल्ट्स पा सकें। तो दोस्तों आज हमने जाना फ्रेज मैच टाइप के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आपको दोस्तों छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एडवांस टॉपिक बताएंगे इस सीरीज़ के अंदर, और बहुत सारी सीरीज़ लेकर आ चुके हैं। दोस्तों हमारे चैनल के थ्रू हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग सीख पाएँ, प्रैक्टिकली अपने बिजनेस या करियर में अप्लाई कर पाएँ और ग्रो कर पाएँ। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें भी आपका प्यार चाहिए, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि यू विल गेट नोटिफिकेशन। थैंक यू दोस्तों।